बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस तरह की कंपनीज़ ढूंढें, प्रॉफिट आपका मुकदर बन जाएगा 100% गारंटी। ये मैं किस तरह ये बात कह रहा हूँ व्यूवर्स, जो वीडियो आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसमें आपको हकीकत वाज़े हो जाएगी। मैंने पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबर को सर्च किया लेकिन मुझे इस तरह की वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिली। तो व्यूअर, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है जीएल पर, यानी जो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है कंपनी ने और सही परफॉर्म किया है या गिरती रही है, ये देखें शाताई टेक्सटाइल लिमिटेड के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई है और उसने इस तरह किया WTL और कितना गिरेगी इसके लिए वीडियो बनाई, यानी जो वीडियो भी बनाई उसने उस तरह पर बिहेव किया। लॉर्ड्स लिमिटेड के हवाले से एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि इसका एनालिसिस करके बता दें, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, इसने भी यानी मैंने उसको कहा था ये गिरेगी तो विद इन वीक के 1-2 रुपीज़ गिर गई थी। यानी जिस तरह मैंने वीडियो बनाई है वो उस तरह ही उसने किया है भी है। व्यूअर्स, आज जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक नगीना कॉटन टेक्स मिल्स लिमिटेड के हवाले से, ये देखें लास्ट 6 मंथ से मार्केट गिर रही है, लेकिन ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताता, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखें अभी गिरती मार्केट में बिग प्लेयर्स आपको, यानी ये वो कंपनीज होती हैं इसका वॉल्यूम बिल्कुल भी बहुत कम होता है, जैसा कि आपको उसका वॉल्यूम नज़र आएगा। ये देखें सिर्फ इसका एवरेज वॉल्यूम 2877 एवरेज वॉल्यूम इसका है, यानी ये वो कंपनीज़ होती हैं जिनका एवरेज वॉल्यूम्स नहीं होता लेकिन ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। क्यों करती हैं? ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो आप ख़ुद भी सर्च कर लें, मैं सिर्फ आपको हकीकत वाज़े करना चाह रहा हूँ आपके सामने। ये देखें ये कंपनी जो 37 रुपीज़ में थी यानी 2020 में, और यानी विद इन ईयर ये देखें इसकी प्राइस किधर चली गई है, यानी गिरती मार्केट में बिग प्लेयर्स इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो आप दूसरी कंपनीज़ में लगे रहते हैं और ये लोग इधर से प्रॉफिट गेन करते हैं। और ये तो एक कंपनी हो गई, देखें इसके एवरेज वॉल्यूम सिर्फ 2877 रुपये है, तो ये कंपनी कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। और इसके अलावा ये महमूद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, इसकी बात करें ये देखें लास्ट 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं बाद में आपको बताऊँगा, कंपेरिज़न करूँगा, यानी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिनके वॉल्यूम मिलियंस में है और मार्केट कैप भी अच्छी है, लेकिन वो कंपनीज़ कितनी गिरती हैं। ये देखें अभी ये कंपनी MEHTS का सैम्बल है, ये देखें इसकी जो प्राइस थी 14 नवंबर को 342, और ये देखें गिरती मार्केट में भी ये कहां पर पहुंच गया है, 900 रुपीज़ तक ये पहुंच गया है, देखें विद इन ईयर में ये कितना ऊपर गया है। और इसका वॉल्यूम आपको मैं बता दूं, ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, बिग प्लेयर्स यानी आप लोगों की तवज्जो बिल्कुल भी नहीं होती, कोई यूट्यूबर आपको इस तरह की कंपनीज़ के बारे में नहीं बताता, तो ये लोग बिग प्लेयर्स इसमें एंट्री ले के गिरती मार्केट में ऐसी कंपनीज़ में प्लेयर एंट्री ले लेते हैं और ख़ुद वो यहाँ से भी गेन करते रहते हैं गिरती मार्केट में भी। आप जैसा कि आपको पता है लास्ट यानी 3-4 मंथ से मार्केट गिर रही है, ये देखिए अभी इसकी परफॉर्मेंस देखें, लास्ट मंथ 7.14%, 3 मंथ 8.67%, 6 मंथ यानी लास्ट 6 मंथ से मार्केट भी गिर रही है और इसकी परफॉर्मेंस देखें 22.02%, छोड़ें अब 1 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें 91.49%। इसका देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत अच्छी है, टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो सिर्फ इनका एवरेज वॉल्यूम नहीं होता, आपको बहुत कम लोग इस तरह का बताते हैं। अभी ये कंपनी वो कंपनी है जो सिर्फ 345 रुपये से यानी 3 गुना आगे बढ़ी है, वो भी गिरती मार्केट में। तो आपको मैं एक और ये जो टाटा यानी टाटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के बारे में बता रहा हूँ, जिसकी प्राइस सिर्फ 20 रुपये थी और कुछ ही यानी 1 साल के अंदर अंदर उसकी प्राइस 66 को पहुँच गई, यानी 3-4 गुना ये बढ़ गई है, तो इसका भी एवरेज वॉल्यूम बहुत कम है, ये देखिए सिर्फ 18,219 है, लेकिन ये वो कंपनी से जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मार्केट कैप इनकी बहुत अच्छी होती है लेकिन लोगों की तवज्जो नहीं होती, और जो लोग मार्केट को समझते हैं या बहुत ज़्यादा इस पर सर्च की है तो वो लोग ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी पैसे गेन करते हैं।
ये व्यूवर्स अभी जो कंपैरिजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये देखें, ये वो कंपनीज़ हैं PPL यानी बड़ी कंपनीज़ में अगर इसका शुमार किया जाए तो बड़ी कंपनीज़ में होता है। और इसकी कीमत देखें 215 रुपये से गिरकर सिर्फ 67 पर आ गई है, यानी एक दो साल में ये देखें कितना गिर के ये नीचे आई है। और इसका एवरेज वॉल्यूम देखें, यानी बिग प्लेयर्स आपको इस तरफ लगा देते हैं और ख़ुद वो वहाँ से पैसे कमाते हैं। और ये देखें ये PPL का एवरेज वॉल्यूम जो 1.5 मिलियन के राउंड अबाउट है। और यहाँ इसका देखें OGDCL, अगर टॉप 10 कंपनीज़ की बात की जाए तो ये मेरा ख्याल है टॉप 10 में ये कंपनी आती है। और इसकी प्राइस देखें 176 इसकी प्राइस है, और ये देखें गिरते गिरते सिर्फ 80 पर आ गई है। तो बिग प्लेयर्स आपके साथ किस तरह हाथ करते हैं ये हकीकत में आपके सामने वाजे कर रहा हूँ। ये देखिए इसका जो एवरेज वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो कितना है 2.5 मिलियन नज़र आपको आ रहा है वॉल्यूम डेटा में। तो ये एक और कंपनी जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड के हवाले से यानी बहुत बड़ी कंपनी है, और इसकी प्राइस देखें 450 के राउंड अबाउट थी और गिरते गिरते सिर्फ 172 पर आ गई। मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो हकीकत में आपको ये देखें इसका वॉल्यूम 879 रुपीज़ है, तो सॉरी 8,79,000 इसका एवरेज वॉल्यूम है, यानी एवरेज वॉल्यूम ज़्यादा है होने के बावजूद भी ये गिरती रहती हैं। तो ये देखें एक और कंपनी जो आपको SNGPL है, इसका देखें इसका जो 163 इसकी प्राइस थी और गिरते गिरते ये सिर्फ 30 रुपीज़ पर आ गई है। तो इसके एवरेज वॉल्यूम देखें 2 मिलियन प्लस है। तो व्यूअर्स यही जो हकीकत में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप शायद समझ जाएँ ये हकीकत के आपने ऐसी कंपनीज़ ढूंढनी है जो मैंने पहले आपको थंबनेल बताया कि जिसमें लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हों, सिर्फ बिग प्लेयर्स ही लेते हैं, यानी जो एवरेज वॉल्यूम ये थोड़ा बहुत इनका होता है ये बिग प्लेयर्स की वजह से ही होता है। लेकिन गिरती मार्केट में भी ये कंपनीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि ये कंपनीज़ सिर्फ आप टेक्निकल एनालिसिस पर ना जाया करें, फंडामेंटल एनालिसिस किया करें। तो ये देखिए मैंने आपको हकीकत बता दी। अभी ये जो कंपनीज़ है महमूद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ये कोई भी यूट्यूबर आपको ऐसी वीडियोस नहीं बना के देता, नहीं बताता ऐसी हकीकत। ये देखिए अभी 1 ईयर परफॉर्मेंस, अभी इतनी गिरती मार्केट में भी इसका 91.49% इसकी परफॉर्मेंस रही है, यानी एक बंदे ने अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 2 लाख बन गया है, यानी 91% उसने प्रॉफिट गेन किया है देखें। और मार्केट कैप भी इनकी कितनी अच्छी है 16.88 बिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी ऐसी कंपनीज़ को आप ढूंढें जिसमें बहुत कम चांस होता है आपका लॉस हो और आपको फ़ायदा ही होगा। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, रियलिटी जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।